गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। आज का टॉपिक है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आज हम लोग जानते हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। जैसे कि हम सब लोगों को पता होता है कि आईपी एड्रेसेस होते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग कौन से आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं या पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर हमें कुछ आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। इसके बारे में काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम लोग वही कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके समझ में आने के लिए मैंने पॉइंट्स लिख के रखे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूज इन द लैन और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास एक छोटी सी कंपनी है या तो फिर मेरा खुद का लैन का सेटअप है, तो उस पर्टिकुलर सेटअप में अगर मुझे कुछ आईपी एड्रेसेस यूज़ करना है, तो इस सिचुएशन में मैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट के थ्रू ही आपको समझ में आता है कि अगर मुझे जो मैं आईपी एड्रेस अपने लैन सेगमेंट में यूज़ करता हूँ वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। करेक्ट, अगर आप इस बात को गौर से सुनते हो या तो समझते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये आईपी एड्रेस आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर, जो भी कुछ एयरटेल होता है, वोडाफोन होता है, बीएसएनएल होता है, वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज़ योर लैन सेगमेंट, आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज़ करते हो। द सेकेंड पॉइंट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नॉट रिकग्नाइज ऑन इंटरनेट। जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, आईएसपी जिसको हम लोग आईएसपी बोलते हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है, इनके साथ कुछ भी ताल्लुक नहीं होता। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस आर गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर। गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या होता है? अगर आप लैन सेगमेंट क्रिएट करते हो तो आप बन गए एडमिन। करेक्ट, एडमिन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर इस पर्टिकुलर लैन सेगमेंट को हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है, उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में ये पावर होता है कि जो लैन सेगमेंट वो क्रिएट कर रहा है उसको आईपी एड्रेस वगैरह असाइन कर सके। ठीक है, भले वो क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है, एज पर द रिकमेंडेशन वो अपने आईपी एड्रेस उस पर्टिकुलर लैन सेगमेंट और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी लैन सेगमेंट है उसको दे सकता है। ओके, वो काम होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। फोर्थ पॉइंट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूनिक विद इन द नेटवर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस आर यूनिक विद इन द नेटवर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने यूनिक वर्ड इसलिए यूज़ किया है, अगर जस्ट कंसिडर करो कि मेरे पास एक लैन से नेटवर्क है। ठीक है, लैन नेटवर्क में चार यूजर्स हैं, तो फर्स्ट यूजर का आईपी एड्रेस पकड़ लेता हूँ मैं, 1.1.1.1 है। ठीक है, मैं यहाँ पे 1.1 लिखा हूँ, यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे 1.4। ठीक है, इस तरीके के मेरे पास अगर चार आईपी एड्रेस है, जस्ट कंसीडर करो कुछ कारण की वजह से मैं 1.1 लास्ट वाले यूज़र को भी देता हूँ, यहाँ पे भी 1.1, तो क्या होगा? डेटा या नेटवर्क कॉम्प्लीट होगा। करेक्ट, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीट होगा बिकॉज दोनों यूज़र 1.1 को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग लैन नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर मैं लैन नेटवर्क क्रिएट करता हूँ तो उसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तो यूनिक आईपी एड्रेसेस होना चाहिए। ठीक है, तभी तुम्हारा नेटवर्क सही तरीके से रन करेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो अभी हम लोग जंप करते फिफ्थ नंबर के पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ नंबर का पॉइंट बोलता है प्राइवेट आईपी एड्रेस आर टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी सिंगल रुपीज टू एनी वन। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो जिसकी हम लोग बात करें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको इसके लिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आपने किसी से लाइन लिया है इंटरनेट, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे सर हम लोग आपको 8 आईपी एड्रेस दे रहे हैं तो उसको आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा। करेक्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप क्या करते हो, मोस्टली आपकी जो लाइन आती है वो आती है स्विच के ऊपर। करेक्ट, स्विच से बाकी के यूज़र टर्मिनेट होते हैं। करेक्ट, मतलब आप मल्टीपल यूज़र उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज स्विच का काम तो ब्रॉडकास्ट करने का ही होता है। ठीक है, भले आप उसके ऊपर 8 यूज़र लगाओ, 10 लगाओ या 50 लगाओ, उसको आपके इंटरनल नेटवर्क से कुछ लेना देना ही नहीं रहता है। ठीक है, आप जो कुछ मंथली रेंट पे करते हो वही आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंटरनल नेटवर्क में कुछ भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। ठीक है, और इस उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस होते हैं, ये सबके सब अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस होते हैं। अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस मतलब इसका
अगर हम लोग इंटरनेट लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेट लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं, जो आप इंटरनल नेटवर्क मतलब जो लैन नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट। जैसे कि आप कुछ अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने एक बाइक खरीद ली मार्केट से, करेक्ट। जैसे कि मैंने एक बाइक खरीद लिया, जस्ट कंसिडर करते, मैंने पल्सर बाइक खरीद लिया, पल्सर बाइक खरीद लिया मैंने, एक पल्सर खरीद लिया। तो इस पल्सर को मैं मुझे आरटीओ के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, उसका इंजन होता है, चेसिस नंबर वगैरह होता है, वो सब कुछ रजिस्टर करना पड़ता है ताकि वो बाइक मेरे नाम के ऊपर हो जाए। करेक्ट। जो भी कुछ मेरा नाम है उसके उस पर्टिकुलर नाम के ऊपर वो मेरा बाइक रजिस्टर हो जाए। लेकिन हमारे पास जो आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं लैंड नेटवर्क में, ये अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस है, जिसको रजिस्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। मतलब अगर हम लोग इंटरनल नेटवर्क यूज़ करते हैं, लैंड नेटवर्क में यूज़ करते हैं, तो हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, बिकॉज प्राइवेट आईपी एड्रेस काफ़ी आसान है, ऊपर से इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता। लाइक इस डज नॉट रिकग्नाइज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के साथ इसका कुछ संबंध नहीं, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो हम लोग बेझिझक इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी हालांकि हम अगर हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से हैं और हमें कौन से आईपी एड्रेस यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप क्लास ए का नेटवर्क यूज़ करते हो, तो आपको 10.0.0.0 से 10.255 मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क ही आप यूज़ कर सकते हो क्लास ए का, मतलब क्लास ए का 10 का नेटवर्क पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके। अगर क्लास बी नेटवर्क की बात करो, तो 172.16.0.0 टू 172.31, यहाँ पे ये बात याद रखना, काफ़ी लोग इसको मिसमैच कर देते हैं। ठीक है। 172.2.16.0.0 टू 172.31.255.255, यहाँ तक के जो आईपी एड्रेस है आप यूज़ कर सकते हो क्लास बी नेटवर्क के लिए, अगर आपको क्लास बी का नेटवर्क यूज़ करना है। अगर आपको क्लास सी का नेटवर्क यूज़ करना है, तो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255, यहाँ तक का नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो प्राइवेट आईपी एड्रेस में। ठीक है। तो यहाँ तक तो आप हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग जो लैंड नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, वो सबके सब आईपी एड्रेस होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। करेक्ट। ठीक है। यहाँ तक हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस समझ में आ गया। अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप यहाँ पे पॉज करके आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है। इंटरव्यू में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछता है प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आप उनको ये पॉइंट बता दो, वो खुश हो जाएगा, 100% ये पॉइंट्स के ऊपर आपको मार्क्स देगा, क्योंकि यही 6 पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं हम लोग बात पब्लिक आईपी एड्रेस की। ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस में फर्स्ट वाला पॉइंट है, द पब्लिक आईपी एड्रेस यूज इन द पब्लिक इंटरनेट, दैट मीन्स द इंटरनेट। ओके। पब्लिक इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। पब्लिक इंटरनेट मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास एक कंसेप्ट आता है नेटिंग वगैरह। ठीक है। नेटिंग में क्या होता है, पब्लिक टू प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस यूज इन पब्लिक इंटरनेट, जो पब्लिकली अगर मुझे पब्लिकली कुछ एक्सेस लेना है, पब्लिकली कुछ एक स्पेसिफिक लिंक वगैरह प्रोवाइड करना है, तो इस सिचुएशन में मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर से बात करूंगा कि मुझे पब्लिकली कुछ इंटरनेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कुछ आईपी एड्रेस चाहिए। जैसे कि मैं लाइव प्रोडक्शन के बारे में एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट कंसिडर करते कि ये मेरा लैंड नेटवर्क है, लैंड नेटवर्क में एक एक एप्लीकेशन चल रही है, लाइक ABC एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को पब्लिक नेटवर्क के साथ एक्सेस करना चाहिए। ठीक है। पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस होना चाहिए, लोकली तो चल ही रही है, लेकिन पब्लिकली एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आईएसपी के पास जाता हूँ, आईएसपी से बात करता हूँ, आईएसपी से बात करता हूँ, आईएसपी को बोलता हूँ कि आप मुझे एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो। पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद मैं उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू जो मेरा लोकल एप्लीकेशन है उसका एक्सेस ले सकता हूँ। ओके। तो जो आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, उस आईपी एड्रेस को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, जब भी हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी प्रोवाइड करता है, तो हम लोगों को उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हम लोगों को उसके चार्जेस पे करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, पब्लिक आईपी एड्रेस आर रिकग्नाइज ऑन इंटरनेट। रिकग्नाइज ऑन इंटरनेट मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। ठीक है।
हम लोग उसके ऊपर कुछ सर्विसेज एक्टिवेट करने वाले, मतलब उस पर्टिकुलर पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करने वाले, तो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है, और वो रिकग्नाइज होता है, वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज पब्लिक आईपी एड्रेस आर गिवन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मैंने बताया, ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, तो हम लोगों को वो पे करना पड़ता है। इसको पे करना पड़ता है एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट इज पब्लिक आईपी एड्रेस आर ग्लोबली यूनिक फॉर पब्लिक आईपी एड्रेस, वी हैव टू पे टू सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मैंने बताया, सर्विस प्रोवाइडर को पे करना पड़ता है। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये हमेशा ग्लोबली यूनिक होता है। लाइक जस्ट कंसिडर करते कि आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक आई पी एड्रेस ले लेते हैं 179.10.100.1, ये आई पी एड्रेस है, ओके, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, ये आई पी एड्रेस है। अगर आपने ये पर्टिकुलर आई पी एड्रेस आपके सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विस प्रोवाइडर से बाई किया, जस्ट कंसिडर करते कि एक अमाउंट दे दिया आपने, एक्सेस अमाउंट दे दिया, करेक्ट, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट तो आपने पे कर दिया, ठीक है, तो ये जो आई पी एड्रेस है वो हो गया आपका, ठीक है। तो अभी आप इस आई पी एड्रेस के ऊपर ही, मतलब जो पब्लिक के लिए, वो एक्सेस ले सकते हो, और ये आई पी एड्रेस ओनली आपके पास ही रहेगा, ये यूनिक रहेगा, ये कभी भी किसी को, किसी अनदर पर्सन को नहीं मिलेगा, करेक्ट, तो ये हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। एक बार आपने बाय कर लिया, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, कभी भी आप आईना जैसी कंपनी, एक आईना कंपनी होती है जो कि आईपी सर्विस प्रोवाइड, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करती है। आईना कंपनी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइन नंबर ऑथोरिटी। ये कंपनी क्या करती है, जो भी आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इस कंपनी के पास ऑथोरिटी है, रजिस्टर होती है, ठीक है। तो ये रजिस्टर कंपनी आपके नाम का आईपी एड्रेस चेक करती है, ठीक है, तो ये हमेशा यूनिक होता है। अगर आपने ये आईपी एड्रेस बाय कर लिया, तो वर्ल्ड में किसी के पास भी जाओ, ये आईपी एड्रेस उसके पास नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ग्लोबली यूनिक होता है। सेम एज अपने लैपटॉप का मैक, मोबाइल का मैक, ये क्या करता है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। सेम एज पब्लिक आईपी एड्रेस अगर हम लोग बाय करते हैं, तो वो एक यूनिक होता है, ठीक है, वो किसी भी अनदर पर्सन को नहीं मिलेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस आर रजिस्टर्ड, जैसे कि मैंने बताया, ये रजिस्टर्ड आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंस है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मैंने टेबल दिया था, टेबल देख के आपको पता तो चल गया प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से। अगर मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस छोड़ देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप स्टॉप करके ये जो पॉइंट्स है वो लिख सकते हो। अगर किसी ने आपको इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज़ पब्लिक आईपी एड्रेसेस, तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो उनको आंसर दे सकते हो आप, व्हाट इज़ पब्लिक आई पी एड्रेस, प्राइवेट आई पी एड्रेस। तो आप इन दोनों के बीच में यही पॉइंट्स को लेके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और उनको बता सकते हो प्राइवेट आई पी एड्रेस का रेंज क्या होता है और पब्लिक आई पी एड्रेस का रेंज भी क्या होता है। ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में आसानी से बोल सकते हो, या तो किसी को बताना है तो आप ये पॉइंट भी बता सकते हो। काफ़ी आसान पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लो। मैं आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।